वेलकम बैक। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग उद्विकास चैप्टर पढ़ रहे थे। उद्विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा किए पिछले वीडियो में। उसके बाद सूक्ष्म उद्विकास और बृहत उद्विकास ये टॉपिक्स हुआ था। इसमें टॉपिक्स जो और है कि मानव का पशु जगत में स्थान, मानव की उत्पत्ति उद्विकास, प्राइमेट का उद्विकास, तो हम क्या करेंगे कि एक सामूहिक कॉन्सेप्ट लेके ये तीन टॉपिक्स हम डील करेंगे। तो जो तीन टॉपिक्स होगा उसको पहले बता देते हैं कि उद्विकास का जो सिद्धांत हम लोग पढ़े थे उसके बाद सिद्धांत देख लिए थे। सूक्ष्म और बृहत उद्विकास देखे थे। अब जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में टॉपिक्स है कि मानव का पशु जगत में स्थान, मानव का उत्पत्ति एवं उद्विकास, प्राइमेट का उद्विकास, प्राइमेटोलॉजी एक अलग चैप्टर के रूप में हम लोग देखेंगे, प्राइमेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे को समझने के लिए हम लोग एक सामूहिक कंसेप्ट लेंगे, तब जाके ये तीनों टॉपिक्स डील होगा। तो कंसेप्ट हम लोग को लेना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का, कि कौन जंतु कहां है, किसका प्लेस कहां है। तो उसी में प्राइमेट का मैटर भी डील हो जाएगा हमारा। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जैसे होमिनिड पर शॉर्ट नोट्स पूछता है, एंथ्रोपॉइड्स ऐप पर शॉर्ट नोट्स पूछता है, ऐप और मैन में सिमिलिटी डिससिमिलिटी पूछता है, तो मानव और कपी में अंतर इसी में डील हो जाएगा। मानव, कपी में तुलनात्मक अध्ययन। अब इसके अंदर छोटा मोटा टॉपिक्स है, तो सारे टॉपिक्स को समझने के लिए बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा लेक्चर को, क्योंकि बैकग्राउंड हम दे रहे हैं। बैकग्राउंड जब समझ जाएंगे तब ये सीधा हो जाएगा समझने में, तब जब बताएंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। तो जिनका बायो साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस चीज को आप यहां पर कॉन्सेप्ट ले लें, तो हम इजी वे में समझ जाएंगे कि क्या बात है। तो ये सारे चीज को देखने के लिए हम वर्गीकरण देखेंगे, जीव जंतु का वर्गीकरण, तब हमको सब चीज सिस्टमैटिक पता चलेगा, तो उस ओर हम बढ़ते हैं कि जीवों का वर्गीकरण। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का शुरुआत सबसे पहले अरस्तु ने किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि उन्होंने जंतु के वर्गीकरण का प्रयास किया था और जंतु जगत को दो भाग में बांट दिया, एनेमा और इनेमा। एनेमा विदाउट रेड ब्लड,
इनेमा विथ रेड ब्लड, इनेमा को फिर दो भाग बांटा, ओविपेरस विविपेरस, अंडा देने वाला और अंडा नहीं देने वाला। तो वो केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो केवल ये जानेंगे कि अरस्तु ने पहले वर्गीकरण दिया, उसके बाद कई विद्वान आए, लेकिन जो सटीक था वो लिनियस का क्लासिफिकेशन है। लिनियस, कैरोलस लिनियस पूरा नाम था इनका, लिनियस। लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण दिया एक पुस्तक में जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुराई, सिस्टेमा नेचुराई 1759 में इसने जीवों का वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति को दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसी के अनुसार मानव का पशु जगत में स्थान हम फिक्स करेंगे, प्राइमेट ऑर्डर को देखेंगे, होमिनिड को देखेंगे, एंथ्रोपॉइड्स को देखेंगे, तो ये सारा चीज को समझना पड़ेगा। तो वर्गीकरण जो होता है जीव जंतु का, उसमें कैटेगरी बनाया गया है कि मान लीजिए इस पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु हैं, तो उसके लक्षण के आधार पर उसको हम वर्गीकृत करते हैं। तो अब प्रश्न है कि वर्गीकरण जो जीव जंतु का करते हैं तो वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण का आधार है लक्षण, करैक्टर, कि किसी विशेष लक्षण वाले जीव को एक समूह में, एक वर्ग में रखते हैं। जैसे गल्फर होगा तो मछली होगा, पंख होगा तो पक्षी होगा, तीन जोड़ा पैर होगा तो कीट होगा। इस तरह से हम उसको आकलन करके एक वर्ग बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। तो अब मनुष्य का लक्षण देखेंगे, प्राइमेट का लक्षण देखेंगे, तो वर्गीकरण का आधार क्या हो गया? तो लक्षण। वर्गीकरण की इकाई जो है, सबसे छोटा यूनिट जो है, जाति, अंग्रेजी में स्पेसीज कहा जाता है। अब इसका कैटेगरी यानी सोपान, वर्गीकरण का सोपान यानी कैटेगरी, इसको देखेंगे कि सबसे ऊपर में किंगडम को रखा जाता है, सबसे ऊपर में किंगडम, किंगडम को बांट दिया जाता है फाइलम, किंगडम को बांटा गया फाइलम में, फाइलम को बांट दिया गया क्लास में, क्लास को बांट दिया गया ऑर्डर में, ऑर्डर को बांट दिया गया फैमिली में, फैमिली को बांटा गया जीनस में, और जीनस को बांटा गया स्पेसीज में। स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो अब इसका हिंदी वर्ड ले लें, इसका हिंदी वर्ड भी ले लें, किंगडम हिंदी वर्ड, जगत, फाइलम, संघ, क्लास, वर्ग, ऑर्डर, गण, फैमिली, कुल, जीनस, वंश, स्पेसीज, जाति। सबसे ऊपर में जगत, तो जगत में जंतु जगत, पौधा जगत, तो हम लोग जंतु जगत में आ रहे हैं। जगत को कई संघ में, संघ को कई वर्ग में, वर्ग को कई गण में, गण को कई कुल में, कुल को कई वंश में, वंश को कई जाति में, जाति को उपजाति, सब स्पेसीज में बांट दिया जाता है। और हर जगह सब वर्ड लगेगा, किंगडम सब किंगडम, फाइलम सब फाइलम, क्लास सब क्लास, ऑर्डर सब ऑर्डर, फैमिली सब फैमिली, जीनस स्पेसीज सब स्पेसीज। तो ये चीज को दिमाग में रखेंगे, इसीलिए मनुष्य का पोजीशन हम अभी जानेंगे कि इसमें कहां पर है, तो वो क्लियर हो जाएगा। और या प्राइमेट का पोजीशन हम जानेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हम लोग समझ गए कि वर्गीकरण का एक कैटेगरी है, हायरार्की है, सोपान है। तो ये सोपान इस तरह का है।
तो अब इस सोपान में जो एनिमल किंगडम है उसको हम देखेंगे। एनिमल किंगडम हिंदी जंतु जगत, पूरे एनिमल किंगडम को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है कॉर्डेट, दूसरा है नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का हिंदी है कशेरुकी और ये हो जाएगा अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं। कॉर्डेट को फिर दो भाग में वर्टिब्रेट और प्रोटोकॉर्डेट यदि हिंदी टर्म नहीं मिल रहा है तो देवनागरी लिपि में ही वर्टिब्रेट या प्रोटोकॉर्डेट लिख देंगे, काम चल जाएगा। क्योंकि अभी साइंस बैकग्राउंड का टर्मिनोलॉजी है थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप अंग्रेजी को देवनागरी में लिख सकते हैं। कशेरुकी में सबसे पहला प्रोटोजोआ है जो एक कोशिका का होता है। प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथस, निमेटी हेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और सबसे लास्ट में इकानोडर्मेटा होता है, जिसका उदाहरण है तारा मछली। तो हम इतना ही से काम है, थोड़ा हल्का मैटर दे रहे हैं कि प्रोटोजोआ अमीबा उसका उदाहरण है, एक कोशिका का है, एक कोशिकीय है। उदाहरण है अमीबा, पानी में रहता है, एक कोशिका का है, सबसे पहला जंतु वही। अब अमीबा से विकास बढ़ते बढ़ते पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथस होते हुए मोलस्का, लास्ट में इकोनोडर्मेटा जाता है, जिसका उदाहरण केवल लेंगे हम स्टार फिश, तारा मछली। ये उद्विकास के क्रम को शो करता है। यहां से उद्विकास शुरू हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहा है। अब ये इकोनोडर्मेटा प्रोटोकॉर्डेट की ओर जाएगा। जो समुद्री जीव है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब वर्टिब्रेट को देखते हैं, तो वर्टिब्रेट में जो डिवीजन है फिश, एम्फीबिया, रेप्टालिया, बर्ड्स, मैमल्स, इसका हिंदी कर दें मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और लास्ट में स्तनधारी। ध्यान देंगे कि जिस जंतु में बैकबोन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको कॉर्डेट कहा गया। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, बैकबोन नहीं है, नॉन कॉर्डेट कहा गया। यानी अपने भाषा में बिना हड्डी वाला, बिना रीढ़ वाला जो प्राणी है वो इधर आ जाएगा नॉन कॉर्डेट में। यहां से उद्विकास शुरू हुआ, अब प्रोटोकॉर्डेट होते हुए वर्टिब्रेट में प्रवेश करेगा। अब कॉर्डेट का दो भाग है, वर्टिब्रेट और प्रोटोकॉर्डेट, जिसमें नोटोकॉर्ड यानी बैकबोन जो है टुकड़ा में हो, एक टुकड़ा को वर्टिब्री कहते हैं। तब वैसे कैटेगरी बनाया गया वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट हिंदी में रीढ़धारी प्राणी इसी को बोलते हैं। अब जिसमें बैकबोन एक सिंगल रड हो तो उसको प्रोटोकॉर्डेट कहेंगे, हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। अब रीढ़धारी प्राणी यानी वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में जो पहला जीव आया वो है मछली। मछली के बाद उभयचर जो जल स्थल दोनों में रहता है, उसका रेंगने वाला
जीव विकास हुआ, जिसको सरीसृप हिंदी में कहेंगे, उड़ने वाला जीव सरीसृप से आया और लास्ट में मैमल्स आया। मैमल्स में स्तनधारी हिंदी में, जिसमें कई ग्रुप हैं, उसको आगे चर्चा करेंगे। और इसी मैमल्स में मनुष्य है, यानी प्रोटोजोआ से जंतु का विकास शुरू होता है और इकानोडर्मेटा से प्रोटोकॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हुए फिश, एम्फीबिया, रेप्टालिया, बर्ड्स, मैमल्स, आखिरी में मनुष्य तक आता है। यही उद्विकास की कहानी है। अब इसको और इलिबरेट करेंगे धीरे धीरे। यही उद्विकास की कहानी है। अब इसमें हमको दो तीन क्वेश्चन का जो है प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा। एक तो है कि मानव का पशु जगत में स्थान, दूसरा है कि प्राइमेट का स्थान चिन्हित करेंगे, तीसरा मानव का उद्विकास के बारे में जानकारी लेंगे, प्राइमेट के उद्विकास के बारे में जानकारी लेंगे, और जो छोटा मोटा शॉर्ट नोट्स होगा होमिनिड के बारे में, एंथ्रोपॉइड्स के बारे में, प्रोसीमियंस के बारे में, सारा जो है कि वर्गीकरण पर आधारित है। तो इसलिए पहले वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट को ले लें, और उस कॉन्सेप्ट को लेने के बाद जब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए हम इसको बैकग्राउंड में दे रहे हैं, इसको इलोबरेट करेंगे हम। और कि स्तनधारी तक हम लोग पहुंच गए, स्तनधारी को अब मुद्दा बनाया जाए कि मैमल्स नहीं स्तनधारी, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कि कॉर्डेट लेते हैं, कॉर्डेट से वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट से फिश, फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टालिया, रेप्टालिया दो भाग में, एक तरफ आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स की ओर चला गया विकास, जो सबसे पहला पक्षी है इस पृथ्वी पर, और यही रेप्टाइल एक तरफ जो है स्तनधारी का निर्माण किया। तो रेप्टाइल से जो पहला स्तनधारी बना, रेप्टाइल से जो स्तनधारी बना पहला, तो स्तनधारी को तीन ग्रुप में, तो पहला बना प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, अंडा देने वाला स्तनधारी है। उदाहरण है इसका इकिडना, इकिडना कीट खाने वाला है। और इस प्रोटोथेरिया से दूसरा क्वालिटी का स्तनधारी मेटाथेरिया का विकास हुआ। प्रोटोथेरिया से मेटाथेरिया का विकास हुआ, जो अर्ध विकसित भ्रूण एम्ब्रियो, अर्ध विकसित भ्रूण को जन्म देता है और मादा के पेट में पाउच पाया जाता है, थैला पाया जाता है। जैसे उदाहरण है कंगारू मेटाथेरिया है। अब इस मेटाथेरिया से तीसरा एडवांस करेक्टर का स्तनधारी विकसित हुआ, जिसे यूथेरिया कहा गया। यू का मतलब वास्तविक होता है, ग्रीक वर्ड है, का मतलब वास्तविक स्तनधारी, ट्रू मैमल्स, वास्तविक स्तनधारी। तो वास्तविक स्तनधारी किसे कहेंगे? तो वास्तविक स्तनधारी में प्लासेंटा होगा, जिससे भ्रूण का पोषण होगा, और विकसित भ्रूण यानी बच्चे का जन्म होगा। बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देता है वास्तविक स्तनधारी यूथेरिया। फिर से हम ध्यान दें तो कॉर्डेट जो है वो फाइलम हो गया। पीछे देखेंगे कि हम कॉन्सेप्ट जो बताए थे कि सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसको याद रखना है। तो यहां जगत में जंतु जगत हो गया, और उस जंतु जगत को हम डिवाइड किए फाइलम में, फाइलम को डिवाइड किए हम सब फाइलम में।
अब ये जो है क्लास है, वर्ग है, क्लास का लिस्ट है, वर्ग का लिस्ट है, यानी स्तनधारी एक वर्ग है, क्लास है, स्तनधारी एक वर्ग है। अब उस स्तनधारी को हम देख रहे हैं, यानी वर्ग स्तनधारी, वर्ग स्तनधारी में उपवर्ग है सब क्लास, उपवर्ग यानी सब क्लास, तो तीन सब क्लास हो गया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, तो हम लोग का संबंध यूथेरिया से है, तो यूथेरिया सब क्लास में गण होगा, ऑर्डर होगा, इसको डिवाइड करेंगे ऑर्डर में, और इसमें 16 ऑर्डर है, 16 ऑर्डर है, और उस 16 ऑर्डर में एक प्रमुख ऑर्डर है प्राइमेट, प्राइमेट गण है, ये गण या ऑर्डर। अब हम आ गए ऑर्डर प्राइमेट, मैमल्स में हम आए यूथेरिया में, यूथेरिया से हम आ गए प्राइमेट में, अब प्राइमेट को देखेंगे, प्राइमेट इसी प्राइमेट के बारे में आपको पढ़ना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्ड चलेगा, प्राइमेट क्या है, तो ऑर्डर है, ऑर्डर यानी गण है, तो ऑर्डर प्राइमेट को दो भाग में बांट दिया गया है, ऑर्डर प्राइमेट को दो भाग में बांट दिया गया है, प्रोसीमी, इसी को हिंदी में लिखेंगे प्रोसीमी, और एंथ्रोपोडिया, एंथ्रोपोडिया यानी गण को हम बांटेंगे उपगण में, तो इसको यहां लिख देंगे ये सब ऑर्डर का लिस्ट है, सब ऑर्डर उपगण का लिस्ट है प्रोसीमी। अब इस एंथ्रोपोडिया के भी दो भाग हैं, एंथ्रोपोडिया, एंथ्रोपॉइड्स, अब इसको इंफ्रा ऑर्डर में बांटा जाता है, इंफ्रा ऑर्डर, एक है प्लेटर हाइन, दूसरा है कैटर हाइन, प्लेटर टी वाई हाइन और कैटर हाइन, कैटर हाइन, प्लेटर हाइन ये नए जगत के बानर हैं, नए जगत के बानर को कहा जाता है, और कैटर हाइन पुराने जगत के बानर हैं, पुराने जगत के बानर, न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। अब ये कैटर हाइन को पुनः दो भाग में लेते हैं, सर पैथिक को आ दिया, और होमिनोआडी, होमिनोआडी, अब यह सुपर फैमिली के रूप में जानते हैं हम इसको, सुपर फैमिली। अब होमिनोआडिया को पुनः तीन भाग में बांट दें, ये लास्ट डिवीजन है, होमिनोआइडिया को तीन भाग बांट देंगे, हाइलोबेटिडी, हाइलोबेटिडी, दूसरा है पोंगिडी, जिस पर शॉर्ट नोट्स आते रहता है बीपीएससी में, पोंगिडी, और तीसरा है होमिनिड, होमिनिड। हाइलोबेटिडी का यदि उदाहरण लेंगे तो गिबन, इसका उदाहरण गिबन, साइमंग, साइमंग है, इसका उदाहरण चिंपांजी, गोरिल्ला,
उरांग उटन हिंदी में भी लिखा है, और होमिनिड में ह्यूमन फॉसिल आ जाएगा, इसमें ऑस्ट्रेलोपैथेकस होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस नियंडरथल, तो होमो इरेक्टस लेते हैं, होमो इरेक्टस नियंडरथल और लास्ट में होमोसेपियंस मॉडर्न मैन आ जाएगा फिर। तो ये वर्गीकरण से हम मनुष्य तक, आधुनिक मानव तक हम पहुंच चुके हैं। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें कई क्वेश्चन का, समस्या का समाधान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये। और इस चीज को आप जब समझ लेंगे तो इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो इजिली ड्राइव होगा, और सब में इसका एप्लीकेशन देना है आपको। जंतु जगत और जितने भी जंतु हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि पूरे जंतु को दो भाग बांट दिए हैं, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड वाला इसमें नहीं पाया जाता है। अब जिसका टुकड़ा में है रीढ़ का हड्डी के रूप में, इसको रीढ़धारी वर्टीब्रेट कहेंगे। वर्टीब्रेट का ये लिस्ट है, जो क्लास का ये सूची है कि फिश एक क्लास है, एम्फीबिया एक क्लास है। अब क्लास को चूंकि ऑर्डर में बांटा जाता है, पहले हम बता दिए हैं, वो भी सीरीज को याद रखना है कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज। ये उद्विकास के कहानी को भी कह रहा है कि यहां से जंतु शुरू हुआ है। तो मानव उद्विकास आदि लिखेंगे या प्राइमेट का उद्विकास लिखेंगे तो हम यहां पर हल्का इंट्रोडक्शन देकर आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, और स्तनधारी तक हम जाएंगे और स्तनधारी को हाईलाइट करेंगे कि स्तनधारियों का विकास जो है सरीसृप यानी रेप्टाइल से हुआ, और वो पहला जो स्तनधारी था प्रोटोथेरिया जो अंडा देता था, यानी उसका जो लक्षण है रेप्टाइल से मिलता है, इसलिए प्रोटोथेरिया को रेप्टाइल और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजक कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल, रेप्टाइल का करैक्टर है कि अंडा दे रहा है, और मैमल्स का करैक्टर है कि शरीर में बाल है और बच्चे को दूध पिलाता है, इकेटना उसका उदाहरण है। ये कीट भक्षी स्तनधारी है। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस आया मेटाथेरिया, पेट में पाउच है। उसके बाद सबसे एडवांस यूथेरिया, जो ट्रू मैमल्स हैं, वास्तविक हैं। प्लासेंटा होगा जो भोजन पोषण देगा भ्रूण को, और विकसित भ्रूण यानी बच्चे को जन्म देने वाला स्तनधारी है। इसमें 16 ऑर्डर हैं। अब 16 ऑर्डर में एक ऑर्डर है प्राइमेट, जिसका हम लोग सदस्य हैं। उसी प्राइमेट के बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइट किए हैं आगे, कि प्राइमेट जो है एक ऑर्डर है। अब ऑर्डर प्राइमेट, अब मान लीजिए आपको प्राइमेट पर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो ऊपर से चलेंगे हल्का, प्राइमेट में आके इलेबोरेट कर देंगे। मानव का उद्विकास लिखना है तो ऊपर से चलते चलते प्राइमेट आएंगे और इसको हाईलाइट करेंगे, यानी हर जगह ये लिस्ट और चार्ट आपको काम देगा। प्राइमेट का सब ऑर्डर है, मैंने दो भाग में इसको बांट दिया गया है, एक है प्रोसीमी, तो हम लोगों का इधर से संबंध नहीं है क्योंकि हम लोग यहां पर हैं तो इधर से संबंध है, इसलिए इसको इलेबोरेट नहीं किया जाएगा। एंथ्रोपॉइड्स या एंथ्रोपॉइडिया, प्राइमेट का दो भाग, फिर एंथ्रोपॉइड का दो भाग, प्लेटरहाइन और कैटरहाइन, नए जगत के बानर और पुराने जगत के बानर। तो हम लोगों का संबंध जो है वो पुराने जगत के बानर से है। पुराने जगत के बानर को दो भाग में बांट दिया गया, अब पैथेको आइडिया और होमिनो आइडिया। होमिनो आइडिया का तीन फैमिली है, ये लास्ट में आ गया फैमिली यानी कुल, हिंदी में तीन कुल है। अब इस तीन कुल में पहला है हाइलोबेटिडी, अब इसका हिंदी रूपांतरण नहीं होगा, देवनागरी में इसी वर्ड को लिखना पड़ेगा,
हाइलो बीटीडी का उदाहरण है गिबन साइमन। पोंगीडी पर शॉर्ट नोट्स कई बार पूछे हुए हैं, जिसका उदाहरण है चिंपांजी गोरिला उरांगुटन और तीसरा फैमिली होमिनिड भी हिंदी में लिखते हैं होमिनिड। इसमें ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो इरेक्टस, ये सब जो है फॉसिल के रूप में है, लिविंग नहीं है। होमिनिड फैमिली का एकमात्र जीवित सदस्य जो है वो मानव है। होमिनिड फैमिली का एकमात्र जीवित सदस्य जो है वो मानव है और उसके पूर्वज के फॉसिल मिलते हैं। तो इस लिस्ट को हम लोग पहले तो मेमोरी में ले लें, पांच बार लिखें, टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी में जो हमारा टॉपिक्स है कि मानव का पशु जगत में स्थान, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। मानव का उत्पत्ति उद्विकास, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमेट का उद्विकास और मानव कपी में जो है कंपेरेटिव उसका स्टडी। यानी सारे समस्या का समाधान और उसके बाद कई शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं इस टॉपिक्स में, जो पूछा हुआ प्रश्न है, पोरोसिमी पर पूछा हुआ है, एंथ्रोपॉइड्स पर शॉर्ट नोट्स है, होमिनिड पर, उसके बाद प्राइमेट पर, एप, ये सबको देखना पड़ेगा। तो अब थोड़ा इलेबरेट करेंगे, इलेबरेट हम सारे को कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से, वही ज्यादा पूछता है, तो उस पर ही हम कंसंट्रेट होंगे। क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे, इसी चार्ट को कई जगह प्रोड्यूस करेंगे मानव को विकास में भी। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करें कि कुछ करैक्टर के बारे में जानें, कि स्तनधारी जो वर्ड है, प्राइमेट जो वर्ड है, होमिनिड जो वर्ड है, उसका क्या क्या करैक्टर है, विशेष लक्षण है, उसको पहले हम लोग एक जगह कर लें सबका लक्षण को, और एक जगह कर लेने के बाद तब हम टॉपिक्स का डिटेल करेंगे। अभी कंसेप्ट पर ही हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्तनधारी के लक्षण। स्तनधारी के लक्षण स्तनधारियों का विकास सेनोजोइक एरा में माना जाता है। सबसे प्रमुख लक्षण में कि इसके शरीर पर बाल होते हैं। कोई भी जंतु है उसके शरीर पर बाल है, हेयर प्रेजेंट है, तो मस्ट है कि वह स्तनधारी है। बाई कर्न जिसको पिन्ना बोलते हैं स्तनधारियों में ही होता है। डायफ्राम केवल स्तनधारियों में होता है।
हार्ट जो है फोर चेंबर का होगा, स्तनधारी का ही लक्षण है, यानी एक विशेष लक्षण है इसका। दांत जो है हेटरोडोंट, थीकोडोंट, डायफायोडोंट प्रकार का होता है, मोलर सिंपल टाइप का होता है। तो कई ऐसे करैक्टर हैं जो केवल स्तनधारी में ही पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथि होंगे, बच्चे को दूध पिलाएगा, प्लासेंटा प्रेजेंट होगा, ये सब कलेक्टर को हम एक जगह कर लेंगे, जो कि स्तनधारी के लक्षण है, जो कि मनुष्य भी एक स्तनधारी है, इनमें से कई लक्षण मनुष्य में मिलेंगे। तो पहले हम अरेंज करते हैं कि शरीर पर बाल होते हैं जिसका निर्माण अल्फा केराटिन प्रोटीन से होता है। दूसरा मुख्य लक्षण में जाएंगे, इसमें स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं, इनमें डायफ्राम प्रेजेंट होता है, त्वचा में श्वेत ग्रंथि होता है, त्वचा में श्वेत ग्रंथि, डायफ्राम जो लंग्स के नीचे है, डायफ्राम पाए जाते हैं, बारह जोड़ा रिब्स होते हैं, छाती का हड्डी जो क्षैतिज होगा, 12 पेयर रिब्स होते हैं, बाह्य कर्ण पिन्ना बोलेंगे उपस्थित होता है, क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ा होता है, क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ा होता है, हृदय 4 कोष्ठ का होता है, शरीर का ताप नियत होता है, कांस्टेंट होता है।